इस वेले की वड्डी खबर थानू एस एस नगर मोहाली तो दिखा रहे हैं जिते कि बीते दिन ही राधा स्वामी चौंक के उत्ते एक भयानक सड़क हादसा होता है। हादसे में तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तारी कारां दा मन्निया जा रहा है। तो आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने वड्डी कार्रवाई कर दी है। आरोपियों मौके पर गिरफ्तार करके नाल ही पुलिस ने परचे दर्ज कर दिए ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि किमें दोनों कारां पूरी तरीके नाल डैमेज हो चुकिया ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है। इसी हादसे को देखते हुए पुलिस वालों भी हुण वड्डी कार्रवाई की जा रही है। तो मौके पर मुआयना करके उस राधा स्वामी चौंक के उत्ते सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि जैबरा क्रॉसिंग लगाई जा रही ने। दूजे पासे रिफ्लैक्टर लगाए जा रहे हैं। नतीजा पुलिस वालों हुण इस रोड के उत्ते ओवर स्पीड के नाके भी लगाए जाएंगे जिसके कि लोग जड़े ओवर स्पीड नाल कार आते हैं उन्होंने चलान भी किए जाएंगे। भयानक हादसे देखते हुए लगातार हुण पंजाब पुलिस हरकत दे विच आ गई है। तो दूजे पासे मोहाली पुलिस ने भी हुण लगातार नाके लगाने शुरू कर देने ने। तो इस मौके पर DSP गुलशेर सिंह संधू ने मौके पर गवाही करके इस बारे की कहा, पहला वह भी तुसी सुन लो। बिल्कुल जी, असीं अजे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए शहर के जिथे कि काफ़ी ट्रैफिक्स होंगे ने, और असी म्यूनसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर साहब रिक्वेस्ट करके ये सारे ही पॉइंट्स के उत्ते असी एक तो वार्निंग बोर्ड्स ला रहे हैं और नाल ही कैटाई ला रहे हैं ता जो कि स्पीड नू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़े इहो जिहे भयानक जिहड़े एक्सीडेंट ने फ्यूचर के इहो जिहे ना होण। नहीं, वाइट लाइनस नहीं जी, असीं नाले एक कैट ही ला रहे हैं जिदे विच जो रात दे टाइम ते जिहड़े ब्लिंक करते हैं और जिहड़ा पता लगता है कि अगे कोई मोड़ है जां कोई चौराहा है ता जो कि स्पीड नू रोकिया जा सके, और नाल ही असीं विजिबल साइन बोर्ड्स भी ला रहे हैं ता जो कि असीं लोगों नू जागरूक कर सकीए कि इत्थे जिहड़ी स्पीड है उहनू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़ा ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो बचा जा सके। चार दिन पहले जी इत्थे एक भयानक एक्सीडेंट होया जिहदे विच तीन लोगों ने अपनी जान गवाई है और असीं उस तों बाद इस चीज़ नूं ध्यान च रखदे होए ये सारा जिहड़ी जागरूकता करा रहे हैं। इस वेले की वड्डी खबर थानू एस एस नगर मोहाली तो दिखा रहे हैं जिते कि बीते दिन ही राधा स्वामी चौंक के उत्ते एक भयानक सड़क हादसा होता है। हादसे में तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे को मुख्य कारण तेज़ रफ्तारी कारां दा मन्निया जा रहा है। तो आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने वड्डी कार्रवाई कर दी है। आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार करके नाल ही पुलिस ने परचे दर्ज कर दिए ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि किमें दोनों कारां पूरी तरीके नाल डैमेज हो चुकिया ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है। इसी हादसे को देखते हुए पुलिस वालों भी हुण वड्डी कार्रवाई की जा रही है। तो मौके पर मुआयना करके उस राधा स्वामी चौंक के उत्ते सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि जैबरा क्रॉसिंग लगाई जा रही ने। तो दूजे पासे रिफ्लैक्टर लगाए जा रहे हैं। नतीजा पुलिस वालों हुण इस रोड के उत्ते ओवर स्पीड के नाके भी लगाए जाएंगे जिसके कि लोग जड़े ओवर स्पीड नाल कार आते हैं उन्होंने चलान भी किए जाएंगे। भयानक हादसे देखते हुए लगातार हुण पंजाब पुलिस हरकत दे विच आ गई है। तो दूजे पासे मोहाली पुलिस ने भी हुण लगातार नाके लगाने शुरू कर देने ने। तो इस मौके पर DSP गुलशेर सिंह संधू ने मौके पर गवाही करके इस बारे की कहा, पहला वह भी तुसी सुन लो। बिल्कुल जी, असीं अजे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए शहर के जिथे कि काफ़ी ट्रैफिक्स होंगे ने, और असीं म्यूनसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर साहब रिक्वेस्ट करके ये सारे ही पॉइंट्स के उत्ते असीं एक तो वार्निंग बोर्ड्स ला रहे हैं और नाल ही कैटाई ला रहे हैं ता जो कि स्पीड नू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़े इहो जिहे भयानक जिहड़े एक्सीडेंट ने फ्यूचर के इहो जिहे ना होण। नहीं, वाइट लाइनस नहीं जी, असीं नाले एक कैट ही ला रहे हैं जिहदे विच जो रात दे टाइम ते जिहड़े ब्लिंक करते हैं और जिहड़ा पता लगता है कि अगे कोई मोड़ है जां कोई चौराहा है ता जो कि स्पीड नू रोकिया जा सके, और नाल ही असीं विजिबल साइन बोर्ड्स भी ला रहे हैं ता जो कि असीं लोगों नू जागरूक कर सकीए कि इत्थे जिहड़ी स्पीड है उहनू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़ा ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो बचा जा सके। चार दिन पहले जी इत्थे एक भयानक एक्सीडेंट होया जिहदे विच तीन लोगों ने अपनी जान गवाई है, और असीं उस तों बाद इस चीज़ नूं ध्यान च रखदे होए ये सारा जिहड़ी जागरूकता करा रहे हैं।
इस वेले की वड्डी खबर थानू एस एस नगर मोहाली तो दिखा रहे हैं जिते कि बीते दिन ही राधा स्वामी चौंक के उत्ते एक भयानक सड़क हादसा होंदा है। हादसे में तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तारी कारां दा मन्निया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने वड्डी कार्रवाई कर दी है। आरोपियों मौके पर गिरफ्तार करके नाल ही पुलिस ने परचे दर्ज कर दिए ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि किमें दोनों कारां पूरी तरीके नाल डैमेज हो चुकिया ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है। इसी हादसे को देखते हुए पुलिस वालों भी हुण वड्डी कार्रवाई की जा रही है ते मौके पर मुआयना करके उस राधा स्वामी चौंक के उत्ते सीधे तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि जैबरा क्रॉसिंग लगाई जा रही ने। दूजे पासे रिफ्लैक्टर लगाए जा रहे हैं। नतीजा पुलिस वालों हुण इस रोड के उत्ते ओवर स्पीड के नाके भी लगाए जाएंगे जिसके कि लोग जड़े ओवर स्पीड नाल कार आते हैं उन्होंने चलान भी किए जाएंगे। भयानक हादसे देखते हुए लगातार हुण पंजाब पुलिस हरकत दे विच आ गई है ते दूजे पासे मोहाली पुलिस ने भी हुण लगातार नाके लगाने शुरू कर देने ने। ते इस मौके ते DSP गुलशेर सिंह संधू ने मौके ते गवाही करके इस बारे की कहा, पहला वह भी तुसी सुन लो। बिल्कुल जी, असीं अजे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए शहर के जिथे कि काफ़ी ट्रैफिक्स होंगे ने और असी म्यूनसीपल कारपोरेशन के कमिश्नर साहब रिक्वेस्ट करके ये सारे ही पॉइंट्स के उत्ते असी एक तो वार्निंग बोर्ड्स लगा रहे हैं और नाल ही कैट आए ला रहे हैं ता जो कि स्पीड नू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़े इहो जिहे भयानक जिहड़े एक्सीडेंट ने फ्यूचर विच इहो जिहे ना होण। नहीं, वाइट लाइनस नहीं जी, असीं नाले एक कैट आई ला रहे हैं जिहदे विच जो रात दे टाइम ते जिहड़े ब्लिंक करदे आ और जिहड़ा पता लगदा कि अगे कोई मोड़ है जां कोई चौराहा है ता जो कि स्पीड नू रोकिया जा सके और नाल ही असीं विजिबल साइन बोर्ड्स भी ला रहे हैं ता जो कि असीं लोगों नू जागरूक कर सकीए कि इत्थे जिहड़ी स्पीड है उहनू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़ा ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो बचा जा सके। चार दिन पहले जी इत्थे एक भयानक एक्सीडेंट होया जिहदे विच तीन लोगों ने अपनी जान गवाई है और असीं उस तों बाद इस चीज़ नू ध्यान च रखदे होए ये सारा जिहड़ी जागरूकता करा रहे हैं। इस वेले की वड्डी खबर थानू एस एस नगर मोहाली तो दिखा रहे हैं जिते कि बीते दिन ही राधा स्वामी चौंक के उत्ते एक भयानक सड़क हादसा होंदा है। हादसे में तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे में मुख्य कारण तेज़ रफ्तारी कारां दा मन्निया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने वड्डी कार्रवाई कर दी है। आरोपियों नू मौके पर गिरफ्तार करके नाल ही पुलिस ने परचे दर्ज कर दिए ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है किमें दोनों कारां पूरी तरीके नाल डैमेज हो चुकिया ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है। इसी हादसे को देखते हुए पुलिस वालों भी हुण वड्डी कार्रवाई की जा रही है ते मौके पर मुआयना करके उस राधा स्वामी चौंक के उत्ते सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि जैबरा क्रॉसिंग लगाई जा रही ने ते दूजे पासे रिफ्लैक्टर लगाए जा रहे हैं। नतीजा पुलिस वालों हुण इस रोड के उत्ते ओवर स्पीड के नाके भी लगाए जाएंगे जिसके कि लोग जड़े ओवर स्पीड नाल कार आते हैं उन्होंने चलान भी किए जाएंगे। भयानक हादसे देखते हुए लगातार हुण पंजाब पुलिस हरकत दे विच आ गई है ते दूजे पासे मोहाली पुलिस ने भी हुण लगातार नाके लगाने शुरू कर देने ने। ते इस मौके ते DSP गुलशेर सिंह संधू ने मौके ते गवाही करके इस बारे की कहा, पहला वह भी तुसी सुन लो। बिल्कुल जी, असीं अजे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए शहर के जिथे कि काफ़ी ट्रैफिक्स होंगे ने और असीं म्यूनसीपल कारपोरेशन के कमिश्नर साहब रिक्वेस्ट करके ये सारे ही पॉइंट्स के उत्ते असीं एक तो वार्निंग बोर्ड्स लगा रहे हैं और नाल ही कैट आए ला रहे हैं ता जो कि स्पीड नू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़े इहो जिहे भयानक जिहड़े एक्सीडेंट ने फ्यूचर विच इहो जिहे ना होण। नहीं, वाइट लाइनस नहीं जी, असीं नाले एक कैट आई ला रहे हैं जिहदे विच जो रात दे टाइम ते जिहड़े ब्लिंक करदे आ और जिहड़ा पता लगदा कि अगे कोई मोड़ है जां कोई चौराहा है ता जो कि स्पीड नू रोकिया जा सके और नाल ही असीं विजिबल साइन बोर्ड्स भी ला रहे हैं ता जो कि असीं लोगों नू जागरूक कर सकीए कि इत्थे जिहड़ी स्पीड है उहनू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़ा ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो बचा जा सके। चार दिन पहले जी इत्थे एक भयानक एक्सीडेंट होया जिहदे विच तीन लोगों ने अपनी जान गवाई है और असीं उस तों बाद इस चीज़ नू ध्यान च रखदे होए ये सारा जिहड़ी जागरूकता करा रहे हैं।
इस वेले की वड्डी खबर थानू एस एस नगर मोहाली तो दिखा रहे हैं जिथे कि बीते दिन ही राधा स्वामी चौंक के उत्ते एक भयानक सड़क हादसा होता है। हादसे में तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तारी कारां दा मन्निया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने वड्डी कार्रवाई कर दी है। आरोपियों मौके पर गिरफ्तार करके नाल ही पुलिस ने परचे दर्ज कर दिए ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि किमें दोनों कारां पूरी तरीके नाल डैमेज हो चुकिया ने। सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है। इसी हादसे को देखते हुए पुलिस वालों भी हुण वड्डी कार्रवाई की जा रही है ते मौके पर मुआयना करके उस राधा स्वामी चौंक के उत्ते सीधी तस्वीरों के नज़र आ रहा है कि जैबरा क्रॉसिंग लगाई जा रही ने। दूजे पासे रिफ्लैक्टर लगाए जा रहे हैं। नतीजा पुलिस वालों हुण इस रोड के उत्ते ओवर स्पीड के नाके भी लगाए जाएंगे जिसके कि लोग जड़े ओवर स्पीड नाल कार आते हैं उन्होंने चलान भी किए जाएंगे। भयानक हादसे देखते हुए लगातार हुण पंजाब पुलिस हरकत दे विच आ गई है ते दूजे पासे मोहाली पुलिस ने भी हुण लगातार नाके लगाने शुरू कर देने ने। ते इस मौके ते DSP गुलशेर सिंह संधू ने मौके ते गवाही करके इस बारे की कहा, पहला वह भी तुसी सुन लो। बिल्कुल जी, असीं अजे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए शहर के जिथे कि काफ़ी ट्रैफिक्स होंगे ने, और असी म्यूनसीपल कारपोरेशन के कमिश्नर साहब रिक्वेस्ट करके ये सारे ही पॉइंट्स के उत्ते असी एक तो वार्निंग बोर्ड्स लगा रहे हैं और नाल ही कैट आई ला रहे हैं ता जो कि स्पीड नू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़े इहो जिहे भयानक जिहड़े एक्सीडेंट ने फ्यूचर विच इहो जिहे ना होण। नहीं, वाइट लाइनस नहीं जी, असीं नाले एक कैट आई ला रहे हैं जिहदे विच जो रात दे टाइम ते जिहड़े ब्लिंक करदे आ और जिहड़ा पता लगता है कि अगे कोई मोड़ है जां कोई चौराहा है ता जो कि स्पीड नू रोकिया जा सके, और नाल ही असीं विजिबल साइन बोर्ड्स भी ला रहे हैं ता जो कि असीं लोगों नू जागरूक कर सकीए कि इत्थे जिहड़ी स्पीड है उहनू कंट्रोल किया जा सके और जिहड़ा ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो बचा जा सके। चार दिन पहले जी इत्थे एक भयानक एक्सीडेंट होया जिहदे विच तीन लोगों ने अपनी जान गवाई है और असीं उस तों बाद इस चीज़ नू ध्यान च रखदे होए आ इह सारा जिहड़ी जागरूकता करा रहे हैं।